आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर इस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी जो हमारी जांघ की हड्डी होती है फीमर, उसके नेक वाले रीजन में ऊपरी तरफ फ्रैक्चर हो जाता है। दोस्तों, ऊपर हिप ज्वाइंट होता है जो हिप बोन के साथ मिलकर बनता है। हिप बोन में एसिटाबुलम वाला पार्ट होता है और फीमर का जो हेड होता है उसी स्थान पे जाकर वो फिट होता है, तब हमारा हिप जॉइंट बनता है। दोस्तों, जानते हैं ये किन कारणों की वजह से होता है? प्रायः चोट लगने की वजह से, ट्रॉमा या इंजरी, और आफ्टर एज 60 ईयर 60 साल से अधिक एज में फीमेल्स में ये देखने को मिलता है। माल न्यूट्रिशन के केस में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर, इसमें पेशेंट ठीक से खड़े नहीं हो सकता और वो मूवमेंट नहीं कर सकता और चल फिर नहीं सकता, उसको दर्द या पेन महसूस हो सकता, टेंडरनेस हो सकती है, कड़ापन। इसका मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एड के अंतर्गत अपन सेडेटिव यानि शांतिप्रद कुछ दवाइयाँ और इमोबिलाइजेशन, मतलब इसको जिस जहाँ में चोट लगी है उसे स्थिर करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इस पर एक्सरे किया जाता है, लेकिन कुछ केस के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर इस पर सीटी स्कैन या एमआरआई भी करवाते हैं। मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन, इसकी मेथड जानते हैं। इसमें एक्सटर्नल फिक्सेशन किया जाता है, मतलब बाह्य रूप से इसको फिक्स करना ताकि मूवमेंट ना हो, जैसे स्प्लिंट, दृढ़ पट्टिकाएँ बोलते हैं, इसकी सहायता से, या प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से इसको फिक्स किया जाता है। इसके अतिरिक्त होता है इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन के अंतर्गत बोन ग्राफ्टिंग, नेलिंग, प्लेटिंग और प्रोस्थेसिस, इनका उपयोग किया जाता है। बोन से रिलेटेड ऑपरेशन में बोन प्लेट, स्क्रू और इंस्ट्रूमेंट सेट पूरा होता है, जिसे आर्थोपेडिक सेट कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। ये सर्जन और डॉक्टर खुद डिसाइड करते हैं कि इस पे कौन सा सेट, कैसे, कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना है। दोस्तों, इसके लिए जो ऑपरेशन प्रक्रिया की जाती है वो अंडर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें पेशेंट की केयरफुली मॉनिटरिंग करना पड़ता है, उसकी वाइटल साइन देखने पड़ते हैं, जैसे बीपी, हार्ट रेट, ये सब देखना पड़ता है। ऑपरेशन या प्रक्रिया से पहले अफेक्टेड पार्ट को क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। स्किन में इंसीजन देना, फिर मसल में इंसीजन दिया जाता है और प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। इसमें स्क्रू, मेटल वायर और पिंस, मेटल रॉड, इनकी सहायता से सर्जन अलग अलग केस के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ऑपरेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, लंबी बोन्स के बीच में मेटल रॉड का प्रवेश कराना या बोन्स में स्क्रू लगाना। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट, नर्व डैमेज, ये हो सकती है। प्रक्रिया सुधार होने के बाद स्किन को लेयर बाय लेयर, मसल को लेयर बाय लेयर सिलाई करके बंद कर देते हैं और ज़रूरत के हिसाब से दवाइयों को शुरू करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर फिर से एक्सरे की जाँच कराकर फिर से लोकेशन सही देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।